हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया एकदम ठीक है। और देखिए, मैंने यहाँ पे रसोई साफ कर दिया आके, और मेरा जो डेली का रूटीन है वही है मेरा। और ये देखिए, ये मैंने इसमें बना दिया दलिया, और यहाँ बन गई मेरी चाय, मसाले वाली अदरक की चाय। अब मैं इसको छान लेती हूँ। चाय मेरी बन चुकी है, देखिए चाय बन रहा है मेरा। दलिया बना रख दिया है मैंने। चलिए फिर और लग चलते हैं। चलिए चाय लेके चलते हैं अंदर, आ जाइए। ये देखिए, मैं आज कौशल सब्जी लेके आ गई सुबह। ये मेथी है, देखिए भिंडी, मेथी, घिया, आलू, अदरक, टमाटर, नींबू, ये बैंगन बहुत बढ़िया बनते हैं, बैंगन है, तोरी है, धनिया, मिर्ची, मतलब टोटल सारी सब्जी है जो घर में चाहिए मुझे, सारी सब्जी है। और ये सारी कौशल धो के और इन्हें सुखा दिया है, छिड़का में धो के सुखा दिया है। और दूध भी लेके आए हैं, वो पैकेट धो के वो फ्रिज में रख दिए हैं, ऐसे ही पहले फैला के सूख गया है तो उन्हें धो के रख दिए पहुंच के। अब देखिए कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है, ताजा सब्जी। चलिए फिर आ जाइए अंदर। और मैंने चाय डाल दी है, और ये आप लोग भी चाय पी लीजिए, अदरक की चाय, बढ़िया सी गर्म गर्म चाय, धुआं निकल रहा है ना। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, ठीक है? मैं भी पी लेती हूँ। अब कौशिक जी की चाय डाल देती हूँ। ये चाय लो कौशिक जी, चाय लाओ। और आज तो कौशिक जी की तबीयत खराब है। कौशिक जी को कल रात को मैंने कुछ गुड़ के पराठे बनाए थे, मूड हो रहा था, गुड़ में तिल और नारियल डाल के पराठे बनाते हैं ना, स्टफिंग करके गुड़ के, गुड़ तिल और नारियल का बुरादा सबको मिक्स करके, तब उसके स्टफिंग करके, तो मैंने वो बनाए थे कल उसके गुड़ के पराठे। तो मैंने तो एक ही खाया था, क्योंकि मीठा कम खाती हूँ मैं थोड़ा सा, तो और देसी घी के वैसे बनाए थे, तो कौशिक जी ने वो तीन पराठे खा लिए थे। अब कौशिक जी को उससे रात को कह रहे थे मुझे तेल घी घी हो गया, और मुझे खांसी हो रही है, खांसी हुई है सारी रात, और अब जुकाम हो रहा है, अब ये सारे में छींक रहे हैं सारे में, और इनकी छींक ऐसी है ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर मेरे छींक शुरू हो गई, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा तो फिर पूरा लंबा ताम झाम होता है फिर इसका छींक का। एक बार दिन छींक शुरू हुई है, फिर पूरा काम भी रहता है मेरे पर, लोड रहता है काम का, काम भी घर का करना है, और फिर छींकना भी है, और दूसरे दिन उसका प्रेशर छींक का बहुत ज्यादा, मतलब वो बढ़ जाता है छींक का, फिर तीसरे दिन जाकर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होता है। तो ये लगाओ चार पांच दिन का लंबा वो चलता है मेरा, तो अगर मुझे जुकाम हो गया तो फिर मैं तो उठने लायक भी नहीं रहूंगी। कोई भी आदमी अगर वो छींकता है तो उसका जो छींक का जो छोटे छोटे पानी के वो पार्टिकल्स होते हैं जो, वो देखना आप कभी भी देखना नोट करके, वो बहुत लंबे एरिया को कवर करते हैं, पूरा इतना बड़ा एरिया कवर करते हैं वो। मैंने एक बार ये चीज देखी है, हो सकता है मेरा चैनल बंद हो जाए, मेरी एक वीडियो भी हटा दी है, मुझे पता नहीं। मैंने तो ऐसा, आपने और भी देखा होगा, मैंने ऐसा था कुछ भी नहीं डाला था कि भाई उसे मेरे, और मेरा वीडियो भी हटा दिया है, मुझे नहीं पता उस वीडियो के बारे में। मैंने तो आज तक अपने जान के तो वैसे कुछ गलत नहीं डाला, मैं डालती भी नहीं हूँ, हो सकता है मेरा चैनल बंद हो जाए। मैं दिखाती भी नहीं हूँ गलत, मैं तो नॉर्मल अपनी एक भाई एक बार जैसे भाई एक बचपन वाली जो शादी होने के बाद लोग अपनी जिंदगी दिखाते हैं, तो वो तो आप देखते हो, वो आप होंगे भी आप उस एज के, तो वो आप वो मतलब उसको वो आपको पता है कि वो जिंदगी कैसी होती है, हैं? एक वो वाली जिंदगी भी देख लो जो भाई आप अपने माँ बाप के साथ में रहते हो, जब शादी होने के बाद माँ बाप रह जाते हैं अकेले, तब वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो भी देखो। वही चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, यही चीज दिखाना चाहती हूँ भाई, आप एक ही चीज देख के बोर नहीं होते होंगे, तो भाई हमें भी देख लो, हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हो सके आने वाले टाइम में कोई मेरे से भी कभी काफी बड़े उसमें आ जाए, 50+ से ऊपर आ जाए कोई, ये भी हो सकता है ना। तो हर इंसान को ना हर तरह की आदत डालनी चाहिए। दिल का दुख बता रही हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज से, ठीक है? अब मैं मिलूंगी आपको पूजा के टाइम पे। चलिए
कामेश्वरी प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो मुझ पर हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? हाँ सब बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ बढ़िया है ना, और हम भी ठीक है जी। और कौशिक जी भी ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। हम नहीं, मैं तो एक हूँ, दो चार नहीं हूँ। मैं भी ठीक हूँ और कौशिक जी भी ठीक है, ठीक है। और दीपा भी ठीक है और मेरा बेटा अंकुर भी ठीक है। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया है। दोनों अंकुर दीपा दोनों बढ़िया है। मेरी आज तो मेरी अंकुर से भी काफी बात हुई है और दीपा से भी मेरी बात, तो दीपा तो डेली होती रहती है। अब मैंने कल जो रात को वीडियो डाली थी, कल रात को एक वीडियो देखी होगी, सुबह आपने आज देखी होगी, तो उसमें मैंने दीपा के बारे में कुछ कह दिया था। तो दीपा कह रही थी, मम्मी मैंने कहा तू बुरा मानगी क्या मेरी बात का? दीपा मैंने बेटा ऐसे डाला कि तू मेरा पहले बहुत काम करती थी, अब तू वहां जाकर तुझे मेरा डर खत्म हो गया। अब तूने ना लैपटॉप तो ले लिया हमसे बहाने से और तू हमारी वीडियो नहीं डाल रही, और ऐसी वीडियो हमारी रात को जैसे हम डालते हैं वैसी वीडियो चली जाती है, कई में मीजू तेज होता है। अगर तू देख लेती है तो हम, अगर उसी टाइम देख लेती तू तो हम उसे ना वापस दोबारा रीड करके दोबारा से सही कर देते। बस हमारा मकसद ये था तेरे से बात करने का, यही मैंने अपने दिल की बात है। हमने तो यूं ही बोला था उसको, दीपा को, कि भाई दीपा तू पहले देख लेकर हमारी वीडियो और फिर हमें बता देकर भाई यहाँ ये कमी है, ये कमी है, क्योंकि फिर हम मान लो उसने फिर बाद में दोबारा हम ठीक करते हैं, उसने थोड़े बहुत व्यूज आए तो हम ठीक कर सकते हैं। अगर जैसे 1500 आ गए तब उसे हम ठीक करने में थोड़ा हमें दुख लगेगा, व्यूज चले जाएंगे सारे। इसीलिए तो मैं दीपा से इसीलिए कहती थी कि दीपा तू रात को गरीब चेक कर लेगी ना उसे, तभी हमें बता दे, हम उसे ठीक कर देंगे। हमने दीपा से ये कहा था, वो रात को जल्दी सोने लगी है। और मैंने ये भी कहा था कि दीपा अच्छी आदत है, मैंने कोई बुराई तो दीपा करी नहीं थी, लेकिन दीपा ने भी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसने एक बार भी ये बात बुराई के ऊपर नहीं लिया। वो बोल रही मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो समझ गई एकदम। ये कह रहे थे दीपा देखना तेरी मम्मी ने तेरे बारे में क्या कहा, देखना। तो मैं बोली ना, मैंने की मैं तो अपनी दिल की बात शेयर करी है। तो दीपा ने देखी, वो सुबह उठी तो देखी तो कह रही नहीं, मेरी मम्मी कभी मेरे बारे में हमारे बुरा नहीं करती, अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं बोलती है, और अच्छा लगा मुझे मम्मी ने जो बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरी बड़ाई है, मम्मी ने मेरी बड़ाई करी है, मुझे अच्छा लगा। माँ बाप ऐसे समझाते हैं बच्चों को। हम तो बस हमारा कहने का मतलब यही है कि भाई वो देख ले और देख के ना फिर हमें बता दे कुछ, और कोई वो नहीं था। नहीं तो मुझे लैपटॉप ना दिलाने का भी कोई कारण नहीं था कि मैं ना दिलाऊं, कोई मतलब नहीं था। दिलाना था मुझे वैसे भी, ना भी मैं वीडियो बनाई तब भी दिलाना था। तो ये था कि भाई मेरी बेटी देख लेती है, और अभी वो भी यही है कि सारा दिन ना, दिन में तो सोती नहीं है, रात में नींद आ जाती है। मैं भी ये नहीं कहूंगी ना कि मेरे लिए स्पेशल जगह, और वो अकेली रहती है अपने कमरे में अकेली है। रात बिरात अगर आंख खुल जाए तो डर लगता है, कहती मम्मी मुझे डर लगता है। मुझे आज आपसे बात करनी है, देखो मेरे मैं आप लोग देखो मुझे, मैं कभी मैंने कोई गलत वीडियो नहीं डाली, सब अच्छी तरह से अच्छा अच्छा बोलती हूँ। मुझको कोई गलत कमेंट भी करता है तभी मैं उससे यही कहकर बोलती हूँ, बेटा कोई बात नहीं है, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के सबके साथ। मैंने यही बोला है, मैंने कभी आप लोगों किसी के लिए भी जो भी मैं गलत बोलता है तो मैंने कभी गलत कुछ नहीं बोला है। उसके बाद भी मेरी एक वीडियो है जो कि इस चुन्नी में है, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, परसों डाली थी उसे, दो तीन दिन हो गया, और वो मेरी यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया, डिलीट मार दी वो, पता नहीं किसी ने कुछ बोल दिया और अब हमारी वीडियो हटा दी किसी ने, हमें भी ना पता भाई किस कारण से यूट्यूब ने वीडियो हमारी निकाल दी है। जो आप ये कह, जिसके आप लोगों ने जिसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे कमेंट दिए थे, मेरी सबसे ऊपर जा रही थी, हमारी पहली वीडियो थी जिसपे मतलब एक दिन में सबसे अच्छे व्यूज आए थे, और वही वीडियो हमारी काट दी परसों, मतलब वो निकाल दी वीडियो, हटा दी है। दीपा मैंने मेरे को बताया, हमें तो यूट्यूब के बारे में ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है, तो वो दीपा ने देखा था। दीपा कह रही मम्मी किसी ने उसको, मैं बोली मैंने क्या ट्राई होती क्या करते बता, उसने मुझे हमें कुछ नहीं पता ट्राई के हुए है क्या ना हुआ है, हमें तो पता ही बारे में ना। तो दीपा ने बताया तब मुझे लगा, बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज से, हमें बड़ा मतलब बेटा कोई दुश्मन आई है कुछ है, तुम कमेंट करके मेरे से बात करो ना, तुम इस तरह मेरे चैनल पर पहुंच रहे, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? ये बताओ किसने क्या मारी है, हमें तो पता ना भाई। मैं चलो कुछ नहीं लगती आपको भाई, वो फिर मैं बार बार वही कहती हूँ कि भाई आप लोग मुझे, मैं वो चीज तो नहीं ला सकती अपने अंदर, जैसी मैं हूँ, जैसे आंटी हूँ, आंटी माँ हूँ, उसी तरह मैं आऊंगी ना, मैं अपने आप को जवान तो फेस नहीं कर सकती हूँ ना।
आप इस तरह से भाई दुश्मनाई निकाल के मेरे चैनल को क्यों बंद करवाने चक्कर में डोल रहे हो ये बताओ। अब हमें डर है कि अब हम वीडियो डाल रहे तो हमारी चैनल भी बंद ना करवा दे वो। हाँ। अब हमें तो डर है ना, आप पता ना कौन है वो कि जिसने ये बोला दी है हमारी चैनल के। मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का, मैं रोई भी थी इस चीज पे। हमें बड़ा मतलब महसूस हुआ ये। और आप देखना वो जो आपने मेरे के लिए देखा, जिन्होंने मेरी वो देखी है उस दिन, वो आप देखना ये जो ऑरेंज चुनी डाली हुई थी वही वाली वीडियो मैंने डिलीट कर दी। डिलीट कर दिया एज, हमारी एज काफी है, जैसे भाई 50 प्लस है हम लोग, और उसके बाद हम ये कौशिक जॉब करते हैं, मैं घर का पूरा काम करती हूँ, कोई मेरे पास मेड नहीं कुछ नहीं है, उसके बावजूद हम पूरी वीडियो बनाते हैं, सब अच्छा अच्छा करते हैं, मन से करते हैं, दिल से, ठीक है। ये नहीं है आप ये कहोगे कि आंटी जब नहीं हुए बस की तो नहीं बनाओ, बस की है बेटा, बनाते हैं मन से दिल से, लेकिन उस चीज को लोग जो जिसने करा है गलत उससे मकसद से करा है कि उसे भगाओ यहाँ से। भाई मेहनत करने की कोई उम्र थोड़ी हुआ है, किसी भी उम्र में कर सके आदमी मेहनत। अब हम इस उम्र में अगर वीडियो बना रहे हैं तो हमको भी वो थोड़ी कर रहे हैं जुर्म। हमने वीडियो बनाई और पता नहीं किसने किसको हमारे इससे जलन है या क्या है, अब हम ये तो बोल ना सके भाई। बस यही चीज देखो मुझे, मैं ना परसों की बात है ना, परसों मैं पूरे दिन रोई हूँ, दीपा ने पापा के पास ही फोन करा है, पापा ऐसे ऐसे मम्मी की एक वीडियो हटा दी, किसी ने मम्मी के कुछ नहीं पता क्या होती है वैसे, पर मैंने बता दिया आपको, वो आप लोगों को पता होगा। मतलब हमला करना हमला करना पता ना भाई, बताओ क्या हमारी वजह से जिनके भाई बहुत ज्यादा व्यूज आते हो उन पे हमला करो तो बात भी है। अरे मेरे तो कोई व्यूज भी नहीं आ रहे ना, मेरे सब्सक्राइबर है ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। हाँ। और ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, फिर भी उसके बाद भी उसे जलन है, बताओ उसे जलन है। तो भाई हमारी तो आपसे यही वो है, गुजारिश है भाई, जिसने कोई प्रॉब्लम है लिख दो भाई, हम पता लग जाएगा कि ऐसा कि भाई इसको हमारे इस चीज से प्रॉब्लम है। अब मैं तो कहती हूँ आपको जो नेगेटिव कमेंट करने हैं वो उस चैनल पे कर दो, लेकिन आप इस तरह से मेरे चैनल के पीछे मत पड़ो कि मेरा चैनल बंद करवाने के लिए पड़े। मैंने बहुत मेहनत करी है, आपकी वीडियो रिमूव कर दी गई है, बस अब यही है। मुझे बहुत दुख है, मुझे रोना आ रहा अभी भी। वही मेहनत कर रहे हैं मेहनत। पर एक बात बताऊं मैं आज आपको, मैं इसमें किसी बुराई नहीं कर रही, पर मैं एक बात बताती हूँ, जब से मैं इस YouTube पे आई हूँ, जब टेंशन हो रही है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पता नहीं, मतलब मेरे घर में शांति नहीं है, मतलब मुझे ना मुझसे मतलब मैं क्या करूँ, मेरे घर में तो नहीं है ऐसा, ना अंकुर करता है ना दीपा है, बाहर वाले जो लोग हैं मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन है और मैं कुछ भी नहीं डालती। अब दो दिन से हम ये निकाल नहीं पा रहे कि भाई मैंने ऐसा क्या बोला, मैंने तो कोई वो नहीं करी, मैंने कोई ऐसा किसी के बारे में नहीं बोला, किसी के लिए नहीं बोला, और फिर भी किसी को मेरी वीडियो से दिक्कत है। भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, हम तो किसी के बारे में नहीं बोलते। हाँ, काट दी हमारी वीडियो, आपने देखा होगा कि वो वीडियो, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी अब क्या बोल सके हम। वो ये दुश्मनों की, छुपे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, छुप छुप के निकल के आके वार कर रही हैं। बस देखो हम छोटे से यूट्यूबर हैं, मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि आप हमारा चैनल बढ़ाइए, हमारे हमें लाइक दीजिए, हमें व्यूज दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं, अगर ऐसी हम बहुत बड़े होते तो बहुत उछल रहे होते तो ये बताओ, हम तो अगर मैं बड़ी भी बन गई ना तो मैं आज आपसे, मेरा आपसे ये है, मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जैसे आज हूँ ऐसी मैं आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं चेंज होने वाली नहीं। भाई हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज अगर आपको कोई परेशानी है या हमने कुछ बोला है या कुछ है, अगर हमारे बोलने से आपको परेशानी है तो आप कमेंट में कर दो ना कि भाई कमेंट बताओ ना, आप हमें बताओ ना, मेरे दिल के बात आपके दिल में क्या चल रहा है बताओ, सही आप बताओगे नहीं, मेरे चैनल के पीछे पड़ गए वो बताओ, मेरे चैनल को मैंने इतनी मेहनत करके चैनल खड़ा करा है और आप इसको गिराने के चक्कर में डोल रहे हो, बताओ सही एक बार बता दो हमें कि भाई आपको हमसे दिक्कत क्या है, बताओ सही। हाँ तो सुधार आवेगा, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई बातचीत होएगी या कमेंट के जवाब, मैं तो लग रहा है, मैं तो नहीं लगता कि जैसे आपने भी देखते हैं आप लोग भी, हमने तो ऐसा कुछ गलत डाला ही नहीं है, उसके बाद ही मेरी एक वीडियो हटा दी गई है उस पर से, वो ये वाली चुन्नी वाला है, चुन्नी दुपट्टा वाला, इसलिए मैंने ये दुपट्टा डाला है दिखाने के लिए कि ये दुपट्टे वाली जो मेरी वो थी और सबसे ज्यादा बहुत अच्छी चल रही थी वो, और बहुत अच्छे उस पर व्यूज आए थे और वो मेरी डिलीट करी है। बस मुझे आपसे यही दिल की बात करनी थी, क्योंकि मैं ना, और मुझे मेयर कौशिक दी है, मैं दीपा से बात करती हूँ या तो दिल की अपनी दीपा से बात कर लूंगी, थोड़ा मन हल्का हो जाता है, फिर आप लोगों से मेयर कौशिक जी आप लोगों से बात करती हैं,
मुझे दीपा और आप लोगों में कोई फर्क नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दीपा आप लोग ही हो, सारे मेरे दीपा मेरे अंकुर आप लोग ही हो, मुझे आप लोगों में और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने दिल की बात कहती हूँ। तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हम लोग आगे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या भाई हमारा चैनल बंद हो जाएगा या छोड़ना पड़ेगा हमें, मुझे हमें कुछ नहीं पता आगे आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि भाई जो मतलब अच्छा ना लगे या किसी के विरुद्ध हो या कुछ हो, ऐसा हमने नहीं बोला कुछ भी। लेकिन फिर भी पता नहीं किसको दिक्कत है, किसको प्रॉब्लम है, पता नहीं है हमें। तो बस यही आप लोगों से शेयर करनी थी हमें बातें कि भाई अगर आपको कोई बातों में कोई हमारी उसमें जो हम बोल रहे हैं उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ, तो हमें बता दो भाई। सुधार तो हर जगह होता है ना, सुधार की कुंजाई हर जगह है, तो हमें सुधार के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, या तो आदमी का एक्सपीरियंस हो इन चीजों का कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आप मेरे बच्चे हो आप मेरे, तो आप लोग मुझे बताओ कि आंटी ऐसा ये गलत है, आंटी यहाँ पे सही करो, आंटी ये करो, आप बताते भी हो। अब देखो तो कौशल जी ने परसों कल की वीडियो में थोड़ा म्यूजिक ज्यादा डाल दिया, तेज डाल दिया था, तो आप लोगों ने बताया म्यूजिक मत डालो, हम ना डाल रहे म्यूजिक मत डालो क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही है। तो आप लोग जो भी सजेशन हमें देते हो ना, हम वो मानते हैं, ये नहीं है कि भाई आपने दिया हमने छोड़ दिया। आप कभी भी देखना जो आप लोग जो भी आप बात कहते हो वो बात हम मानते हैं, हर चीज के लिए बता रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत हर चीज में परफेक्ट नहीं मानती हूँ, आप लोगों की बातों को बहुत, जैसे आप मेरी बात मान के चल रहे हो ना, ऐसे जो भी आप सजेशन देते हो मैं सारी बातें मानती हूँ, सारी बता रही हूँ मैं भाई। हमें हमसे किसी को दिक्कत है तो प्लीज आप अपने बताओ और हम जरूर उसमें सुधार करेंगे। आज मेरा बीपी कितना 96 और 96 ऊपर का और 70 नीचे का, मेरा बीपी इतना हो गया। तो कहते हैं ना बहुत से लोग, इधर को सुनो उधर को इग्नोर करो, निकाल दो बात को, खत्म करो। जिनने तकलीफ है वो थोड़ा हमें बता दो भाई। बस मैं सोचती हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को शुरू से ही आदत है, मेरे दिमाग से बात नहीं निकलती। एक बार की मैं इसी बात पर चलो बात बता, थोड़ा दिमाग आपको फ्रेश करती हूँ। एक बार की बात है, मेरे घर में हमारे देवर उनके एक फ्रेंड थे, तो वो अपने फ्रेंड को लेके आए थे, यहाँ के थे वो, यहाँ के साउथ के थे वो हाथ देख लेते थे। तो हमारी शादी हुई थी, बच्चे नहीं थे जब मेरे पास, तो वो उन्होंने हाथ देखा तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप भी दिखा लो। तो मैंने कहा चलो मैं भी दिखा देती हूँ। तो उन्होंने मेरे से क्या कहा था उस टाइम पे, कहा था कि आप इतनी आने वाले टाइम में आपके ऊपर इतनी टेंशन आएगी, इतना टेंशन रहेगी, आप कभी अपने उस टेंशन से बाहर नहीं आ पाओगे, उन्होंने कहा था मेरे से। तो मैं बोली ऐसा हो ही ना सके, मैं और टेंशन लू, मैं मतलब उसकी बातों को मजाक में ले रही थी, मैं और टेंशन लू, मैं तो बहुत खिल्लो टाइप हूँ, खिल्लो जानते हो ना, जो मतलब जिसके चेहरे पे कभी ना रोआ राट है ना कुछ है, मतलब हर टाइम हंसना फूल की तरह, हा 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 हा, हर चीज पे हंसना, मतलब वो थी मेरी आदत। जब उन्होंने ये कहा तो मैं कौशल की तरफ देख के कह रही, मैंने की है ऐसा हो सके, कभी नहीं हो सकता ये बात, तो मैंने की इनकी झूठी लगेगी, देखना मैं ये बात को झूठी करके दिखाऊंगी, और सच में बता रही हूँ। उन्होंने बताया फिर बच्चे हुए, फिर वो ये हारी बीमारी दुनिया भर की वो चलते रहे घर में, यही है बच्चों के साथ परिवार में रहने से, तब पता लगता है ना, जब नई नई शादी होती तब थोड़ी पता लगता है इन चीजों का। फिर धीरे धीरे करके मैंने देखा, आज मैं अपनी हालत बताती, स्थिति यहाँ पे ये थोड़ी है कि मुझे दुख मिल रहा है, हर चीज पे दुख नहीं होता है कि मियां बीबी की लड़ाई हो रही है, बच्चों से तंग हूं या किसी पैसे से तंग हूं, ये चीज नहीं होती है। टेंशन की बहुत चीजें होती है, अपने आप ही हो जाती है, और वो चीज मेरे निकलती नहीं है। अब मेरी ये हालत है कि अगर किसी ने एक शब्द भी मेरे से बोल दिया ना गलत, इसलिए मैं किसी से पंगा नहीं लेती, पंगा मतलब मैं उसको, मतलब कोई मेरे से कुछ बात बोल भी जाएगा ना तो मैं उसका जवाब ही नहीं देती हूँ, इसलिए मेरी ये आदत है। और अब मेरी ये हो गया कि परसों की बात है, ये परसों से आज तक मेरे को ना वो दिमाग से निकल ही नहीं पा रही है। ये भी समझा रहे हैं, अंकुर ने भी समझाया था, मम्मी ध्यान मत दो लोगों पे, ध्यान मत दो मम्मी, लोगों को बोलने दो, आपका काम अपना है, जो आप अपना काम करो मम्मी। बेटे ने ये कहा है, मेरे समझाया है, मम्मी आप अपना काम करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। पर भाई ये भी है ना, क्यों दे नहीं किसी के, हम तो ना देते किसी के बारे में, क्यों देंगे, कितना भाई आदमी इतना मेहनत कर रहा है, इतना वो कर रहा है बेचारा। आप अपना वो लिख दो ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, किस कोण से उससे आपको दिक्कत आ रही है, तो हम उसको नहीं करेंगे ना। मैं तो ऐसे ऐसे चैनल देखती हूँ, कोशिश कहेंगे क्या देखती रहो सारा दिन, मैंने की मैं ऐसे ऐसे चैनल देखू, मैंने की मेरे को खुशी भी होती है, देखो लोग कितना मेहनत करते हैं चैनल पे, और उन लोगों को तुम इस तरह स्ट्राइक देख के तुम उनको उनके वीडियो डिलीट करवा देते हो, तो ये चीज गलत होती है ना, उनको धमकी देते हो कि भाई चैनल छोड़ दो। मैं कैसे छोड़ दूं चैनल, ये बता दो। आज तो मैं इतनी वीडियो बनाऊंगी कि मन उदास है, आपको देखना फेस से भी पता लग रहा है, आज मन उदास है, आज मन ठीक नहीं है,
तो मैंने सोचा चलो बताती हूँ थोड़ी सी, अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ चीज। चलिए फिर मिलते हैं, आप ये मेरी वीडियो देखिए, और जो भी कोई गलती अगर हमसे हो जाती है ना, क्योंकि दीपा जल्दी सो जाती है और उस टाइम बहुत लोग देख लेते हैं, अगर कोई गलती होती है तो आप ना कमेंट करके मुझे बता दो। बस यही आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हाँ। हमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेहनत करते हैं, इतनी एज में भी मेहनत कर रही है, तो ये भी बड़ाई के कोई काबिल है, तो आप कृपया ध्यान रखें। चलिए फिर मिलते हैं सुबह अदरक की चाय के साथ में, ठीक है, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं सुबह अदरक की चाय के साथ।